यानी साथियों आदमी क्लास 12 में चैप्टर 5 अवकलन मैसेस आए 5.5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 x² - 5x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x³ + 7x + 9 का अवकलन निम्न तीन प्रकार से कीजिए। फर्स्ट है गुणनफल नियम का प्रयोग करके और सेकंड है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके और तीसरा है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। हमें इसका अवकलन करना है तीन प्रकार से। इसको मान लिया हमने y, लिखेंगे y = x² - 5x + 1 और x³ + 7x + 9। क्लियर हम कर रहे हैं। फर्स्ट है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। अब गुणनफल नियम क्या होता है, जैसे हमने x² - 5x + 1 को u मान लिया और x³ + 7x + 9 को v मान लिया, क्या हो जाएगा y = u × v। ये हो गया, तो यहाँ करेंगे उसका x का अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx = फर्स्ट फंक्शन मतलब u * सेकंड का अवकलन dv/dx + सेकंड फंक्शन मतलब v * फर्स्ट का अवकलन du/dx। तो ये होता है हमारा गुणनफल नियम। क्लियर, तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ लगाना है। लिखेंगे एक्स आप अवकलन करने पर ये है वाई, तो ये हो जाएगा dy/dx = d/dx ब्रैकेट में x² - 5x + 1 और दूसरा ब्रैकेट में x³ + 7x + 9। क्लियर, ये हमने यहाँ यू मान लिया और इसको मान लिया v, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x² - 5x + 8 × d/dx सेकेंड मतलब x³ + 7x + 9। क्लियर, प्लस सेकेंड फंक्शन v, तो v हमारा ये x³ + 7x + 9 × d/dx u, तो d/dx u का मान ये है x² - 5x + 8। क्लियर, इसको तो हम सेम लिख लेंगे x² - 5x + 8 * ये हो जाएगा हमारा p + q + r की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा d/dx x³ + 7 कॉन्स्टेंट आगे लिख लेंगे d/dx x + d/dx 9। क्लियर, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस ये वाला x³ + 7x + 9 * बराबर कर लेंगे, ऐसे इसको करेंगे अलग अलग, ये हो जाएगा d/dx x² - 5 कॉन्स्टेंट है आगे लिख लिया * d/dx x + d/dx 8। क्लियर, = x² - 5x + 8 x³। यहाँ लगाएंगे हम x^n वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा n * x^n-1 तो 3 × x² + 7 × x^1 हो जाएगा अवकलन, प्लस 9 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, प्लस इसको जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे x³ + 7x + 9 ब्रैकेट में x², ये हो जाएगा हमारा 2x - 5 x^1 हो जाएगा, प्लस 8 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दिया = x² - 5x + 8 ये 3x² + 7 × 1 7 हो गया, ये तो 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे, प्लस x³ + 7x + 9 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2x - 5। क्लियर, यहाँ हमें ब्रैकेट खोलना है = तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई 3x² का इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3x⁴ −(+) हो जाएगा 5 × 3 = 15 x² तो ये हो गया x³ + 8 × 24 x² + अब करेंगे इस ब्रैकेट में 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7x² −(+) हो जाएगा
5 7 35 एक्स प्लस 8 7 56 क्लियर। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएंगे प्लस पहले करेंगे मल्टीप्लाई 2x से इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2x, ये x क्यूब है और ये x है, तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 7 × 2 = 14 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 × 2 = 18 एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5x³ प्लस इंटू माइनस माइनस 5 × 7 = 35 एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 9 × 5 = 45 इक्वल टू यहां पर 3x⁴ है और ये 2x⁴ है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴ क्लियर। ये माइनस 15x³ है और ये हमारा माइनस के 5x³ है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20x³ क्लियर। यहाँ पर 24x² और 7x² और 14x² इन तीनों को प्लस करेंगे तो 24 + 7 = 31 और 31 + 14 तो ये जाएगा 45 प्लस 45x² क्लियर। यहाँ पर 35x और 18x और 35x, ये 35x माइनस का और ये 35x माइनस का, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 70x और ये जो x है प्लस का है उसको ऐसे लिख लेंगे प्लस का 18x, यहाँ पर 56 प्लस का है और ये 45 माइनस का है तो माइनस करेंगे इसको, यहाँ आएगा प्लस का 11 क्लियर इक्वल टू 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x, ये माइनस 70 और ये प्लस का 18, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में 52x प्लस का 11 क्लियर। ये आंसर हो गया गुणनफल नियम का प्रयोग करके क्लियर। इसमें तीनों विधियों से आंसर सेम आएगा। सेकंड है गुणनफल के विस्तारण के द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्लियर। पहले यहाँ हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना है तो ये हो जाएगा x³ का करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ, तो हो जाएगा x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 8x³ प्लस अब करेंगे 7x से ये हो जाएगा 7x³ माइनस इंटू प्लस माइनस 5 7 = 35 x² 8 7 = 56 हो गया प्लस का 56x, अब करेंगे 9 से इस पर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9x² माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 5 9 = 45 45x 8 9 = 72 तो प्लस का 72 क्लियर इक्वल टू x⁵ माइनस 5x⁴, ये x³ है और ये भी x³ है, दोनों को प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 15x³, यहाँ पर माइनस 35x² और ये 9x² है तो यहाँ आएगा माइनस में 26x², ये प्लस का 56x और ये माइनस का 45x, ये हो जाएगा प्लस का 11x और ये प्लस का 72 क्लियर। अब इसका करना है हमें अवकलन, तो लिखेंगे एक्स आप अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx और पूरे को लिख लेंगे बैठ के अंदर, ये हो गया x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 15x³ माइनस 26x² प्लस का 11x प्लस का 72 क्लियर। अब इनको कर देंगे अलग अलग इक्वल टू d/dx x⁵ माइनस 5 कॉन्स्टेंट है आगे लिख लेंगे तो 5 d/dx x⁴ प्लस 15 कॉन्स्टेंट है 15 × d/dx x³ माइनस 26 कॉन्स्टेंट है तो 26 d/dx x² प्लस 11
डी एफ बॉन्डी एक्स एक्स प्लस डी एफ बॉन्डी एक्स 72 क्लियर इक्वल टू यहां लगाएंगे फॉर्मूला एक्स पावर एन वाला ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई यहां भी ये 4 आगे आ जाएगा एन के रूप में इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स क्यू प्लस 15 मल्टीप्लाई 3 एन के रूप में आगे आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 26 मल्टीप्लाई 2 एन के रूप में आएगा आगे इंटू एक्स प्लस 11 मल्टीप्लाई एक्स का वन हो जाएगा प्लस 72 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इक्वल टू 5 एक्स पावर 4 माइनस 5 फोर 20 एक्स क्यू प्लस 15 थ्री 45 एक्स स्क्वायर माइनस 26 टू 52 एक्स प्लस 11 और यही हमारा आंसर हो गया क्लियर। अब थर्ड से लघुगणक के अवकलन द्वारा तो ये हो गया हमारा थर्ड लिखेंगे दोनों को आप लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 क्लियर ये है लॉग एन इंटू एन की फॉर्म में ये हो जाएगा लॉग एन एन का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एन एन हो जाएगा हमारा ये एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 क्लियर हमें निकालना है डिवाइड बाय डी एक्स तो यहां पर लिखेंगे एक्स आप अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 क्लियर इक्वल टू एक फलन ये हो गया और एक फलन ये हो गया दोनों फलन है प्लस के रूप में तो अवकलन कर देंगे इसका अलग अलग लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8 क्लियर प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 क्लियर ये है लॉग वाई इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को हम x मान लेंगे ये हो जाएगा लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 क्लियर और इसका करेंगे दोबारा अवकलन ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस इसी प्रकार ये 1 अपॉन एक्स के साथ में इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी अपॉन डी एक्स इसका दोबारा करेंगे अवकलन ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 क्लियर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू इसका करेंगे अवकलन ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉन्स्टेंट आगे ले लेंगे इसको डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 8 ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 और ये कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा क्लियर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 इसी प्रकार इसका हो जाएगा एक्स क्यू का हो जाएगा अवकलन 3x स्क्वायर प्लस एक्स का 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 7 प्लस 9 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा क्लियर इसको लिखेंगे यहां पर ये 2x माइनस 5 2x माइनस 5 0 को नहीं लिखेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन ये आएगा एक्स क्यू प्लस
7x+9 क्लियर 1/y इंटू dy/dx क्लियर। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारा x²-5x+8 इंटू x³+7x+9 क्लियर। x²-5x+8 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, ये कट जाएगा, ये बचेगा, उसका करेंगे मल्टीप्लाई अंश में, तो ये हो जाएगा 2x-5 और दूसरा ब्रैकेट में ये x³+7x+9 प्लस अब x³+7x+9 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, उसका करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x²+7 और दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा x²-5x+8 क्लियर इक्वल टू। यहाँ पर हम खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 2x से करेंगे मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2x⁴+2×7=14 x² + 2×9=18 x अब करेंगे -5 से, ये हो जाएगा -5x³-35x-45 4×9=45 और इसका करेंगे प्लस 3x² से इस पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x, ये x² है और ये x² है, ये हो जाएगा x⁴ क्लियर -3×5=15 x³+3×8=24 x² क्लियर। अब करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, ये हो जाएगा प्लस का 7x² - 7×35x+7×56 क्लियर अपॉन ये लिखेंगे एलसीएम x²-5x+8 और दूसरे ब्रैकेट में x³+7x+9 क्लियर। पहले देखेंगे हम कि x⁴ वाले टर्म कौन कौन से हैं, तो एक तो ये है 2x⁴ और एक ये है 3x⁴ और तो कोई है नहीं, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो उनको प्लस कर देंगे 3+2 5 हो जाएगा 5x⁴। अब देखेंगे q वाले टर्म, एक ये है q वाला टर्म -5x³ और एक ये है -15x³ और तो कोई है नहीं, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा -20x³ क्लियर। अब देखना है x² वाले टर्म, तो x² में एक तो ये टर्म है, एक x² में ये है और एक ये है, ये प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो तीनों कर देंगे प्लस 14+24 ये हो जाएगा 38 और 38+7 ये हो जाएगा 45+45x² क्लियर। अब देखेंगे एक्स वाई टर्म कौन कौन से हैं, तो एक एक्स में ये है प्लस का 18x और एक ये है माइनस का 35x और एक इधर है माइनस का 35x क्लियर। ये प्लस में है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया 18x, ये माइनस में और ये भी माइनस में, इनको प्लस कर देंगे और आएगा माइनस में 35 35 70, ये हो गया 70x क्लियर। अब देखेंगे कॉन्स्टेंट माइनस का 45 और एक है 56 प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 11 क्लियर अपॉन ये एलसीएम आएगा x²-5x+8 और दूसरे ब्रैकेट में x³+7x+9 क्लियर इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5x⁴-20x³+45x² यहाँ पर प्लस का 18x और माइनस का 70x, तो ये हो जाएगा माइनस का 52x और ये प्लस का 11 क्लियर अपॉन एलसीएम को लिख देंगे,
तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस का सेवन एक्स और प्लस का नाइन, क्लियर। तो ये मान आ गया हमारा वन अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। पहले लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर वाई है हमारा डिवाइड में तो उसको करेंगे इधर मल्टीप्लाई में, फिर जाएगा वाई इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे फाइव इंटू एक्स पावर फोर, फाइव इंटू एक्स पावर फोर माइनस का ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस का फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टी टू एक्स प्लस का इलेवन अपॉन, अब लिखेंगे एलसीएम को तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, क्लियर। और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हमारा वाई है और वाई का मान यहाँ पर ये है तो यहाँ से वाई का मान यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट इंटू दूसरा ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, क्लियर। इंटू ये वाला लिखेंगे फाइव एक्स पावर फोर माइनस का ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस का फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टी टू एक्स प्लस का इलेवन अपॉन, ये एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एट, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, क्लियर। और ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहां पर ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म एलसीएम वाले सेम है तो हमारा इससे कट जाएगा ये और इससे कट जाएगा ये, क्लियर। क्या बचा, ये बचा हमारा फाइव एक्स पावर फोर माइनस का ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस का फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फिफ्टी टू एक्स प्लस का इलेवन, और ये मान आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का, क्लियर। और ये हमारा आंसर हो गया लव वन की अवकलन द्वारा, क्लियर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन तीनों विधियों से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि यू वी और डब्ल्यू एफ से फलन है तो दो विधियों प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लव वन की अवकलन द्वारा दर्शाइए कि डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर हमें ये दिया है कि यू वी और डब्ल्यू का हम करें अवकलन एक्स्ट्रा पेज तो हमारा ये आएगा, और ये हमें लाना है दो विधियों के द्वारा, एक लाना है प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति के द्वारा और दूसरा लाना है लव गुणक के द्वारा, क्लियर। तो फर्स्ट करेंगे इसको हम, माना हमारे फलन है u v और w, इसको मान लिया हमने y के बराबर, क्लियर। तो यह लिखेंगे x में अवकलन करने पर, क्लियर, ये हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमने y माना तो हम ये भी लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स और y के स्थान पर ये लिख दें u v w इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, इसको द्वारा लिखेंगे u v w, क्लियर। इसमें हमने u को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और v w को मान लिया सेकंड फंक्शन, क्लियर। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन u इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वी डब्ल्यू, क्लियर, प्लस सेकेंड फंक्शन वी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट मतलब u, क्लियर, इक्वल टू u, और यहां लगाएंगे हम ब्रैकेट, ये हमारे दो फलन है v और w, तो v को मान लिया हमने फर्स्ट फंक्शन और w को मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो इसमें द्वारा लगाएंगे फॉर्मूला तीन टू टू वाला, तो ये हो जाएगा फर्स्ट v इंटू सेकेंड का अवकलन w प्लस सेकेंड w इंटू फर्स्ट का अवकलन v, क्लियर।
और ये हमारा सेम आ जाएगा वी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स वी, यहां पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा यू वी इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स यू। क्लियर, यहां पर अवकलन है यू का और हमारा अवकलन हो रहा है यहां पर यू का, इसको लिख लेंगे पहले वी डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, प्लस यहां पर हो रहा है अवकलन वी का और ये हमारा अवकलन वी का, इसको यहां लिख लेंगे यू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर, और लास्ट में है अवकलन डब्ल्यू का और डब्ल्यू का हमारा ये है, इसको लिख लेंगे सबसे लास्ट में, ये हो जाएगा यू वी इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। क्लियर, यहां पर वी डब्ल्यू बाद में लिखा है और पहले लिखा है डी यू अपॉन डी एक्स, हमारा पहले लिखा है, चाहो तो उसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू। क्लियर, प्लस आगे यहां यू लिखा है और डी वी अपॉन डी एक्स और उसके बाद में लिखा है डब्ल्यू, तो हम यहां पर यू को पहले लिख लें इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और डब्ल्यू को इसके बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस यहां पर यू भी पहले लिखा है, हमारा भी यू पहले लिखा है, इसको ऐसे उतार देंगे यू वी इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। क्लियर, तो ये आंसर हमारा और ये आंसर सेम है, तो लिख देंगे यहां प्रूव्ड। क्लियर, तो ये हमारा हो गया प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति के द्वारा। क्लियर, अब हमें इसको करना है लघुगणक की अवकलन के द्वारा। क्लियर, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, यहां हमें दोनों तरफ लॉग लेना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में यू वी डब्ल्यू। क्लियर, इसको कर देंगे लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। क्लियर, अब करेंगे हम एक्स ऑफ अवकलन, तो लिखेंगे यहां पर एक्स ऑफ अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे हम ये पूरा, तो ये है लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। क्लियर, इसको करेंगे अलग अलग, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग यू प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग वी प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग डब्ल्यू। क्लियर, इसका करेंगे अवकलन एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू ये है लॉग वाई, हमें करना है अवकलन एक्स ऑफ एक्स, तो वाई को मान लेंगे एक्स, तो लॉग एक्स का होता है फॉर्मूला वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई इंटू वाई का दोबारा करेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसी प्रकार यहां यू को मान लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, प्लस ऐसे ये होगा वन अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा वन अपॉन डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। यहां से वाई ले जाएंगे हम राइट साइड में, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, यहां पर वाई है डिवाइड में तो यहां आएगा मल्टीप्लाई के रूप में इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ये वन अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये वाई है और वाई का मान हमारा यहां से यू वी डब्ल्यू है, तो ये यू वी डब्ल्यू वाई का मान हम यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू और ब्रैकेट में लिखेंगे इसको वन अपॉन यू
इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वन पॉइंट वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन पॉइंट डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब ब्रैकेट खोलेंगे यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई या आप तीनों में करेंगे ये हो जाएगा इक्वल टू यू वी डब्ल्यू अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ऐसे यहां यू वी डब्ल्यू अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? अब यू से या यू कैंसिल हो जाएगा, वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू से ये डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वी डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर? इस प्रकार ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? ये डी अपॉन डी एक्स जो यहां पर दे रखा है दोनों बराबर है तो यहां लिख देंगे हम प्रूव्ड। क्लियर? हमारे यू वी डब्ल्यू एक्स के फलन है और हमने इसको किया दो मेथड से, एक गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति के द्वारा और दूसरा किया लघुगणकों के द्वारा। दोनों से हमारा जो आंसर आया वो सेम आ रहा है। क्लियर? इस तरह से मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।